Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Students, today we will read about the chapter 1 of class 10th, The Enchanted Pool, written by C. Rajgopalachari. First, before reading the lesson, we know some main topics about C. Rajgopalachari, the writer of the lesson. C. Rajgopalachari was a well-known Indian writer. He was also a politician, lawyer and freedom fighter. He was born in 1870 and died on 1972. He was the founder of Swatantra Party. He was a great person and also achieved the highest Indian civilian award, Bharat Ratna. He was the first Bharat Ratna achiever of India. Now, about our lesson. This lesson is adapted from the great epic Mahabharata. When Pandavas were exiled and at a moment they were going to search a water to quench their thirst. So, प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ जो है महाभारत के उस भाग से लिया गया है जहां पांडव वन गए हुए होते हैं और एक ऐसा क्षण आता है जब पानी की बहुत अधिक लालसा होती है, उन्हें प्यास लगी होती है और वो लोग पानी की तलाश में तालाब की ओर जाते हैं। तो यह कहानी उसी तालाब पर युधिष्ठिर और उस ग्रेट यक्ष, जो मायावी यक्ष था, उसके संवाद से रिलेटेड है। तो आइए पुस्तक की सहायता से हम अपने चैप्टर को देखते हैं। नाउ लिसन केयरफुली एंड सी योर टेक्स्ट बुक। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्रिवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर एंड द पूल, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water. But when he saw his brother lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. In this passage, the writer described the condition of Yudhishthir and his thoughts. Yudhishthir ne apne bhaiyon ka badi hi chinta mein इंतजार करते रहे, चिंतित थे। चिंतित क्यों थे? क्योंकि वे लोग बहुत देर से पानी की तलाश में गए हुए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे, और अपनी इसी चिंता को दूर करने के लिए युधिष्ठिर उसी तरफ चल पड़े जहां पर जिस ओर से उनके भाई तालाब की खोज में गए थे। और जंगल के रास्तों से चलते हुए तमाम जंगली जानवरों से मिलते हुए, जैसे भालू, हिरन, अन्य जो जंगली जीव थे उनके रास्ते में मिलते गए, और तब वे उस तालाब के पास पहुंचते हैं जहां एक बड़ा सा हरा भरा मैदान है और मैदान के पास तालाब है और वहां पर उनके भाई चित पड़े हुए, मूर्छित पड़े हुए। He touched the faces of Bhima and Arjuna and they lay so still and silent and mourned. Was this to be the end of all our woes? Just when he exiled, he is about to end, you have taken away. Even the gods have forsaken me in my fortune. Forsaken me in my fortune means मेरे दुर्भाग्य में भी मुझे त्याग दिया। युधिष्ठिर कहते हैं कि ईश्वर ने भी मुझे मेरे इस दुर्भाग्य के समय में त्याग दिया है, क्योंकि जो मेरे सबसे शक्तिशाली भाई थे वे आज मूर्छित पड़े हुए हैं। उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को टच किया। उन्होंने कहा, क्या यही हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत है? As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them.
Then he too descended into the pool, drawn to the water by an overpowering thirst. At once the whites, without form, warned. लेकिन जैसे ही उन्होंने उनके विशाल शरीर को देखा, मजबूत कंधों को देखा, उन्होंने सोचा कि क्या कोई इस दुनिया में ऐसा हो सकता है जो इन्हें हराने की शक्ति रखता हो। इसी सोच में कि हो सकता है ये प्यास से मूर्छित हो गए हों, युधिष्ठिर तालाब की ओर बढ़े और तुरंत ही उन्हें वही आवाज सुनाई दी जो इसके पहले उनके भाइयों को सुनाई पड़ी थी। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष एंड गेस्ड व्हाट ही हैपेंड टू हिज ब्रदर। और उस आवाज को सुनते ही, क्योंकि युधिष्ठिर बहुत ही बुद्धिमान थे, उन्होंने तुरंत ही यह संदेह कर लिया कि यह और कोई नहीं बल्कि कोई यक्ष है और उसी यक्ष के कारण ही उनके भाइयों की यह दशा हुई है। इट टुक हिम नो हिम टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। युधिष्ठिर ने जब तक कि उन्हें और कोई उपाय नहीं सूझा कि वह अपने भाइयों को बचाएं, उन्होंने उस अदृश्य आवाज से कहा कि श्रीमान जी कृपया अपने प्रश्नों को पूछें। द वॉइस नॉट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर। और तब उनकी बातों को सुन करके उस आवाज ने एक के बाद एक प्रश्न पूछने शुरू किए। उसने पहला क्वेश्चन किया, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। मनुष्य का खतरे के समय में बचाव कौन करता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, करेज। द थिंग इज करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। यक्ष पूछता है कि किस विज्ञान को, किस शिक्षा को ले लेने के बाद व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। युधिष्ठिर कहते हैं नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र। युधिष्ठिर कहते हैं कि कोई शास्त्र पढ़कर नहीं, बट इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। वो कहते हैं कि शास्त्र पढ़कर नहीं बल्कि विद्वानों की संगत से ही ज्ञान मिलता है। द यक्ष आस्क्स व्हाट इज द स्विफ्टर देन द एयर देन द विंड। युधिष्ठिर से प्रश्न करता है कि हवा से भी तेज क्या है। युधिष्ठिर रिप्लाइड माइंड। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हवा से तेज अगर कोई चीज है तो व्यक्ति का मस्तिष्क है। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राई स्ट्रॉ। उसने कहा कि एक सूखे हुए तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या हो सकता है। युधिष्ठिर का उत्तर था अ सारो हर्ट स्ट्रिकन हर्ट। उन्होंने कहा कि एक विषाद से भरा हृदय, यानी ऐसा मन, ऐसा हृदय जो बहुत ही दुख में हो, वही एक सूखे तिनके से भी ज्यादा सूखा होता है। अगला क्वेश्चन करता है यक्ष, व्हाट डिफरेंस अ ट्रैवलर। एक यात्री का सबसे बड़ा मित्र कौन है। लर्निंग। युधिष्ठिर ने कहा ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। उसने प्रश्न किया कि ऐसा व्यक्ति जो घर पर रहता है उसका मित्र कौन है। युधिष्ठिर का प्रश्न था पत्नी। हु अकंपनीज अ मैन इन डेथ। उसने प्रश्न किया कि मृत्यु में के बाद व्यक्ति का साथी कौन होता है। धर्म दैट एलोन कंपनीज सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। युधिष्ठिर का उत्तर था मृत्यु के बाद आत्मा का अगर कोई साथी होता है तो केवल उसका धर्म है। विच इज द बिगेस्ट वेसल। उस यक्ष का प्रश्न था कि सबसे बड़ा पात्र क्या है, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ द ग्रेटेस्ट वेसल। युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे बड़ा पात्र तो स्वयं धरती माँ है जिसने अपने आप में सब को समाया हुआ है। व्हाट इज हैप्पीनेस। यक्ष ने प्रश्न किया कि प्रसन्नता कहाँ है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। युधिष्ठिर ने कहा कि केवल अच्छी संगत में ही प्रसन्नता है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। युधिष्ठिर से उसका अगला प्रश्न होता है यक्ष का कि क्या छोड़ करके व्यक्ति सबका प्रिय बन सकता है। प्राइड। युधिष्ठिर का प्रश्न था कि केवल अहंकार। इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति गर्व करना छोड़ दे, अहंकार करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सभी का प्रिय बन जाएगा। व्हाट इज द लास्ट व्हिच इज जॉय एंड नॉट सॉरो। यक्ष का प्रश्न था कि प्रसन्नता खोने के बाद भी दुख नहीं होता है। किस चीज को खोने के बाद प्रसन्नता आती है, दुख नहीं होता। युधिष्ठिर का प्रश्न था, उत्तर था एंगर। इफ वी गिव अप
बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सॉरो। दृष्टि ने कहा कि अगर हम गुस्सा करना छोड़ दें तो हमें कभी दुख नहीं होगा। अगला प्रश्न यक्ष का होता है, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच। युधिष्ठि से प्रश्न था उसका यक्ष का कि क्या छोड़ करके व्यक्ति अमीर रह सकता है। डिजायर, इच्छा, आप इच्छा छोड़ दें तो आप स्वयं अमीर हैं, ऐसा उत्तर युधिष्ठि का होता है। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि व्यक्ति लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, एक वास्तविक ब्राह्मण, एक सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है? इज इट बर्थ, क्या यह जन्म है? गुड कंडक्ट और लर्निंग, अच्छी संगत है या कि ज्ञान है? आंसर डेसिबली। यक्ष ने कहा कि सोच समझ के उत्तर देना। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, गुड कंडक्ट अलोन डज। दृष्टि ने कहा कि केवल ज्ञान और जन्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता, बल्कि उसके लिए अच्छी संगत की आवश्यकता होती है। However, learned a person may be, उसने कहा, दृष्टि ने कहा कि व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, he will not be a Brahman, लेकिन वह ब्राह्मण नहीं हो सकता, without giving up bad habits, जब तक कि वह बुरी आदतों को न छोड़ दे। What? Even though he may be learned in the four Vedas, भले ही उसे चार वेदों का ज्ञान हो जाए, a man of bad conduct falls to a lower class, तो एक बुरी संगत वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी में पहुंच जाता है, उसको ब्राह्मण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, यक्ष का अगला प्रश्न होता है कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एवरीडे मेन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यमास किंगडम। दृष्टि ने कहा कि प्रतिदिन लोग देखते हैं कि मनुष्य और सभी क्रिएचर मरते हैं, एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जो जीवित रहता है वह सदैव के लिए जीवित रहना चाहता है, यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the yaksha put many questions and Yudhishthir answered them all। और इस तरह से युधिष्ठिर से यक्ष ने कई सारे प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। In the end, the yaksha asked the king, one of your dead brothers can be revived, would you want to come back to life? इस पर उनसे प्रसन्न होकर के, युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर के यक्ष ने उनसे कहा कि ए राजन, अगर चाहते हो आप कि आपका कोई भाई जीवित है, जीवित रहे, हो सकता है मैं वरदान दूंगा, किसी अपने एक भाई का जीवन आप मुझसे मांग लीजिए। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर ने एक क्षण भी सोचने का समय नहीं लगाया। एंड देन ही विज दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंट लोटस आइड ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म नकुला लाइंग लाइक अ फॉलन एवरी ट्री माइट राइज। और उन्होंने तुरंत ही उत्तर दिया कि एक विशाल कंधों वाले सुंदर शरीर वाले, जो कि एक बड़े से आभूष के वृक्ष के समान पड़ा हुआ है, उसका भाई नकुल, वह जीवित हो जाए, ऐसी इच्छा उन्होंने यक्ष से प्रकट की। द यक्ष प्लीज एट दिस एंड आस्क युधिष्ठिर, इन उनके इस इच्छा से यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ और उसने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुला इन प्रिफरेंस टू भीम हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट। उसने प्रश्न किया कि तुमने नकुल को क्यों चुना, भीम को क्यों नहीं, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड, और मैंने सुना है, दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हारा सबसे प्रिय है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं से ही, जिसके धनुष में ही तुम्हारी सुरक्षा। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, मुझे यह बताइए कि आपने इन दोनों के बजाय नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर का उत्तर था, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली सीड ऑफ मैन। उन्होंने कहा कि ए यक्ष, व्यक्ति का सबसे बड़ा जो कवच है वह क्या है, वह धर्म है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं, इफ धर्म इज गिवन अप, यह धर्म छूट जाता है, धर्म छोड़ दिया जाएगा, मैन विल बी रिउंड, तो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली, और इसलिए वह पूरी तरह से निशंता नहीं हुई है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में भी इवन, और इस श्रृंखला में कि न्याय का पलड़ा बराबर रहे, आई आस्क दैट माद्री सन नकुला मे रिवाइव, मैंने कहा
कि मात्री का एक पुत्र नकुल जीवित हो जाए। The Yaksha was most pleased with his sister in partiality and granted that all his brothers would come back to life. यक्ष युधिष्ठिर के इस न्यायप्रिय वचनों से बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। It was Yam, और यक्ष कौन था? यह यम थे, the Lord of Death, जो कि मृत्यु के देवता थे, who had taken the form of यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, so that he might see युधिष्ठिर and test him, जिससे कि वह युधिष्ठिर से मिले और उनकी परीक्षा लें। He embraced युधिष्ठिर and blessed him, then he disappeared, और उनसे प्रसन्न होकर के उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और उन्हें वरदान देकर के अदृश्य हो गए। डियर स्टूडेंट्स, यह चैप्टर आपने सुना, ध्यान से अपनी बुक की सहायता से इस चैप्टर से रिलेटेड समरी को जानिए और चैप्टर्स के अंत में दिए गए पैसेज के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आगे अगले चैप्टर के लिए आपसे अगले